ऑफिसियों की पत्री, पंजाबी में उसे अफसियां बोलते हैं। उसका एक अध्याय से एक अध्याय उसकी हम 17 से पढ़ेंगे। सब नोट करो जो लोग पढ़ना जानते हैं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आज जो खुदावन आपको देने वाला है, हाँ, अगर आप बुद्धिमान हो, उस विश्वास से चाहत से आयो, तो आपका लाइफ आपका जो जीवन है वो सेम नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? सेम नहीं रहेगा। सेम आप बदल जाओगे। क्या करोगे? आप बदल जाओगे। पढ़ो इस वचन को, सब अपनी बाइबल में देखो क्या लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 1 तारा में लिखा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हमें जो श्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के उस प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बिठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर श्रोमणी ठहराकर कलिसिया को दे दिया। ये उसकी देह और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन, हालेलुया। क्या करता है? अभी ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा था? हाँ, कितने लोग हैं जो बाइबल तो पढ़ते हैं, पढ़ना अच्छी बात है, पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पढ़ने से हमें अपने आप समझ नहीं आती। बोलो क्या है? अपने आप से समझ नहीं आती। इसलिए ये हजूरी, खुदा की जो जीवत हजूरी, ये आपको तरोताजा करती है। किससे? हाँ, जिसको आप खुद पढ़ने से समझ नहीं आती, यहां पे आकर आप समझते हो। हाँ, तो यहां पे क्या लिखा कि सबसे पहले परमेश्वर तुम्हें उस चीज को समझने के लिए क्या दे? अपना ज्ञान। बोलो, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। क्या दे? ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, क्योंकि बिना आत्मा आप समझ नहीं सकते। क्यों यीशु मसीह ने एक सामरी तीवी को कहा था कि अगर उसकी आराधना करना चाहते, क्योंकि उसने कहा हमारे बाप दादू तो इस पहाड़ पर किसकी आराधना करते थे, हाँ, तो उनसे बड़ा है। तो यीशु ने कहा, हाँ, सच्चे भगत जो पिता की आराधना कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? रू और सच्चाई से। कैसे करेंगे? रू और सच्चाई से। हाँ, सच्चाई क्या है? हाँ, सच्चाई है कि कौन हमारे पापों के लिए मरा, और ये वचन और उसका प्लस आत्मा जो खुदा ने विश्वास करने वालों के लिए दे दिया। हाँ, जो लिखा परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। क्या करता है वो आत्मा? परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। हाँ, और वो पवित्र लोगों के लिए लिखा सिफारिश भी करता है। देखो कितने लाभ की चीज है। इसलिए सबसे पहले लिखा परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। क्या दे? और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो जाओ, क्योंकि इन आंखों से हम समझ नहीं सकते परमेश्वर की इच्छा को कि वो क्या चाहता है। बोलो क्या है? इसलिए कहता तुम्हारे मन की आंखें, ये एक फिगोरेटली जिसे हम बोलते हैं वक्यालंकार। मन की तो आंखें होती नहीं, ध्यान से समझो। हाँ, कैसे परमेश्वर ने अपना वचन दिया? तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में। अभी मन की आंखें तो है नहीं, आंखें तो कहां होती है? हमारे फेस में। हाँ, हमारे मुंह पे, यहां पे सामने। तो मन की आंखें कहां से आ गई? समझते हो? मन मतलब माइंड, जिसे हम दिमाग बोलते हैं उसे हम कहते हैं मन। माइंड मतलब जिस चीज से हम सब कुछ समझते हैं। कहता उसकी आंखें तेरी ओपन हो जाए, और जब तक माइंड ओपन नहीं होगा
उसकी बातों को समझने के लिए ऐसे बैठे और ऐसे चले जाएंगे तो कैसे छुटकारा मिलेगा, कैसे बरकत मिलेगी? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। हाँ, बैठने से नहीं, उसकी बातों को समझने से सब कुछ होगा। बाइबल में लिखा कि जब लुस्त्रा में प्रेरित पौल और सिलास, हाँ, लुस्त्रा में गए और प्रेरित पौल ऐसी बातें कर रहा था तो एक जमांदरू लंगड़ा परमेश्वर की बातों पर टकटकी लगाकर सुन रहा था। कैसे? जैसे मान लो उसी समय को याद करो बाइबल की, जैसे मान लो मैं पौल हूं, हाँ, कुछ समय के लिए मैं पौल हूं और मैं आज लुस्त्रा में आया हूं और आप लुस्त्रा में बैठे हो, हाँ, और मैं बता रहा हूं और आप में से ही कुछ ऐसी कोई चाहत वाले हैं, हाँ, ऐसा मनुष्य है जिसके अंदर इतनी चाहत है, वो जब वो बता रहा है तो वो ऐसे सुन रहा, उसके मुंह से ऐसे शब्द आ रहे हैं और कैसे करा वो नहीं देख रहा, यहां इधर उधर नहीं देख रहा, क्या हो रहा है, गर्मी है, क्या है, उसे कुछ नहीं, वो बता रहा, वो ऐसे सुन रहा। अच्छा, इतना मन उसका किसके वचनों में लाए, और वो स्वर्ग से, क्योंकि हमारी जो सप्लाई है हेवन से, स्वर्ग से, हाँ, हमारे जीवन की जो सप्लाई है वो कहां से? हेवन से, स्वर्ग से। और परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा उस बंदे का मन, उसके अंदर कितना विश्वास है, और पॉल को इस्तेमाल किया, जैसे अभी भी खुदा का आत्मा मुझे इस्तेमाल करता, और कितने लोगों के लिए उसका आत्मा बोलता है कि आप में से कोई ये, उसको ये बीमारी है, उसको ये, बोलो क्या है, और जब परमेश्वर बोलता है तो वो गवाही से आते हैं। आमीन। क्या आते हैं वो लोग? गवाही से, समझे हो? और ऐसे ही जब वो सुन रहा था तो पॉल को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने, और खुदा के आत्मा ने उससे होकर कहा अपने पैरों के बल खड़ा हो जा। वो भूल गया कि मैं जमांदरू क्या हूं, लंगड़ा हूं। लिखा वो तुरंत उसने अब ऐसे कहा जैसे आप खड़े हो जाओ, वो भूल गया कि मैं लंगड़ा हूं। लिखा उसी समय उसके घुटनों में, उसकी टांगों में जान आ गई और वो भला चंगा हो गया। पर किसके वचन को समझने से? बोलो किसके वचन को? इसलिए अपने आप को कहो वचन पर ध्यान दे, अपने आप को कहो वचन पर ध्यान दे, वचन को समझ, तब तेरा भला होगा, तब तेरा छुटकारा होगा। अपने आप से कहो, तब तुझे बरकत मिलेगी। आमीन, हालेलुया। कहता है उसकी तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो जाए, क्या हो जाए, कि तुम उसकी बलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है। हाँ, पवित्र लोग, क्योंकि जब हम यीशु को अपना उद्धार करता मानते हैं तो हम पापी नहीं, हाँ, हम धर्मी हैं। पर कुछ लोग उसे प्रभु मानकर भी, बैप्टाइज होने के बाद भी अपने आप को पापी समझते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम पापी हैं, हम पर दया करो, हमें चंगा करो, हाँ, हम पर दया करो, हमें अच्छा करो। और ये मिनिस्ट्री आपको बताती है कि आप चंगे हो चुके हैं, आप पर दया हो चुकी, हाँ। अब जो आप जब दूसरा पत्रस 2:9 पढ़ते हो तो वहां पे क्या लिखा, तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी जाजकों का समाज हो और परमेश्वर की निष्प्रजा, उसकी खास प्रॉपर्टी हो। पहले तुम पर दया नहीं हुई थी, कहता अब तुम पर दया हो चुकी। पर कितने लोग हैं जो आज भी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हम पर दया कर, क्या कर हम पर, ध्यान कर हम पर, हमें अच्छा कर। आप पर दया हो चुकी, आप अच्छे हो चुके हैं, बस अपने विश्वास करना है। बोलो क्या है लिखा, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हाँ, आगे लिखा उसकी सामर्थ में हम में जो विश्वास करते कितनी महान है। हाँ, क्या है, हम में जो विश्वास करते हैं, आप में जो 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 कोई विश्वास करता है, लिखा परमेश्वर की जो शक्ति है मसीह में वो महान है। बोलो क्या है, पर किन लोगों के लिए जो सुनकर विश्वास करते हैं कि यस
वो धन्यवाद करते हैं कि मेरे लिए हो चुका, हाँ मेरा पैर खराब है अच्छा हो चुका, हाँ मेरे घर में क्लेश है, मेरा ये काम है मेरा वो काम है, मेरे लिए हो चुका, हाँ वो मन नहीं खराब करते, निर्बुद्धि होते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा बुद्धिमान अपना घर कहां पे बनाता है, चट्टान पे, और वो चट्टान कौन है, यीशु है, हाँ जिसने बनाया उन चीजों से घर, कोई हालात कोई संसार की बातें इधर उधर की उसका कुछ नहीं बगाड़ सकती। जो निर्बुद्धि है, जो सुनता तो जरूर है पर वो मानता नहीं है, उसमें उसके माइंड में शैतान घुसता है। जिसने अपना माइंड बंद किया है, अपने मन को बंद करके रखा है, पर उसने कहा अपने मन को ओपन कर, अपनी मन किया के खोल, तब तू जान सकेगा। कितनों को समझ आ रही है, क्योंकि वो आपके लिए सब कुछ कर चुका है। आपने धन्यवाद करना है, अपने मन नहीं खराब करना, क्या नहीं करना, मन नहीं खराब करना। लिखा विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की शक्ति कितनी महान है, हा? उस शक्ति के कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, सब प्रकार की प्रधानता अधिकार, हाँ बोलो, सब कुछ किसको दे दिया, यीशु को, क्या कर दिया, लिखा सब कुछ उसके दे दिया और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। उसका लोग उसका नाम ना इस लोक में आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, ना केवल इस लोक में जो आने वाला समय लिखा उसमें भी लिया जाएगा। तो सब कुछ ये अधिकार सामर्थ हर चीज परमेश्वर ने किसे दे दी, किसे दे दी, यीशु को। और लिखा सब कुछ उसके पैरों के नीचे कर दिया, और श्रोमणी, श्रोमणी होता है सिर, श्रोमणी ठहराकर कलीसिया को, मतलब हमें दे दिया, हाँ। और लिखा जे उसकी देह और उसकी परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूरा करता। अभी आपका सिर आपका नहीं है, आपका सिर मसीह है। कितनों को समझ आ रही, मैंने कहा आपका सिर आपका नहीं, आपका सिर मसीह है, आपका सिर आपका नहीं है, ये सिर मसीह का है। अगर सब चीजें यीशु मसीह के पैरों के नीचे हैं, तो बाइबल बताती है आपके भी नीचे हैं। जो बीमारी आपके ऊपर राज कर रही है, जो अंग मुड़ा हुआ है टेढ़ा है काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं कहता हूं समझने से भला होगा, समझने से छुटकारा होगा, किसके वचन को, हाँ बाइबल तो बता रही है कि यीशु आपका सिर श्रोमणी ठहराकर कलीसिया को दे दिया। तो हो क्यों ना रहा काम, कारण क्योंकि समझ नहीं आ रही। इसलिए क्यों यीशु ने कहा सत्य को जान सत्य तो मैं क्या करेगा, आजाद करेगा। आजादी क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि समझा नहीं, हाथ तो पता नहीं कितनी बार रखवा लिया पर छुटकारा फिर भी नहीं मिला, हाँ बोलो, छुटकारा फिर भी नहीं मिल रहा, क्योंकि पूर्ण छुटकारा किसमें है, उसके वचन में, बोलो पूर्ण छुटकारा किसमें, उसके वचन में, उसकी सच्चाई में। और जितने लोग सत्य को उसकी सच्चाई को जानते हैं और उस पर चलते हैं वो पाते हैं ये जीवन। कौन लोग पाते हैं, वो लोग पाते हैं ये जीवन जो उसे समझते हैं। आमीन, हालेलुया, समझ आ रही है अभी। और मेरा विश्वास है कि आज खुदा आपकी वो मन की माइंड की आंखें ओपन कर रहा है, और आज उसका वचन आपके अंदर जा रहा है, हर एक के अंदर, क्या जा रहा है, हर एक के अंदर वो वचन जा रहा है, हाँ। अभी कितनों को समझ आ गया कि सब चीजें अगर यीशु मसीह के पैरों के नीचे हैं, हाँ, दुष्ट आत्मा जो आपको तंग करता है, आप समझ गए, जैसे एक दिन मुझे भी वो तंग करता है, हाँ, पर मैं समझ गया, और आज वो क्या है, पैरों के नीचे, हाँ, कितनी बीमारियां जो मेरे शरीर में थी, हाँ, मुझे जब ये वचन समझ आया तो मैंने कहा तू पैरों के नीचे। मेरी एक टेस्टिमनी सुनी ना, जो मेरे आज से कुछ साल पहले मेरे सिर में आधे आधे सिर में दर्द आ गई थी, हाँ, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी मेरी, और मैं जानता था और ये वचन मेरे अंदर था, हाँ, कि यीशु मेरा सिर है, मैं उसकी देह हूं, और परमेश्वर ने सब कुछ यीशु के पांव के तले कर दिया, क्या कर दिया,
और एक साइड शैतान ने मुझे आधे सिर में धिर दे दी और दूसरी साइड जो मेरा काम था इतना उसने मुझे कंडस्टन कर दिया, एकदम से मेरे जितने कारोबार में जो काम करता था पहले, हाँ, तो जो मेरा बिजनेस मेरा काम था उसने इतना ब्लॉक इतना मुझे टाइट कर दिया। अभी मैं एक कॉन्ट्रैक्टर था, हाँ, मेरे खुद के अपने 8-8, 10-10 काम होते थे। तो इतना ज्यादा शैतान ने मुझे टाइट कर दिया पैसों की, ऐसे पैसों को लेकर, क्योंकि काम तो, पैसे तो काम होंगे तभी आएंगे ना। और क्या हुआ कि उस एक सारा काम उसने ऐसे ब्लॉक कर दिया शैतान ने मेरा, और दूसरी साइड मेरे आधे सिर में धर दे। हाँ, अभी मैंने कभी खुद तो काम किया नहीं क्योंकि लेबर काम करती, अभी इतना मैं टाइट हो गया मुझे खुद काम करना पड़ रहा है और ऊपर से मेरे आधे सिर में दर्द है। हाँ, अभी सुनो, मेरा अंगीकार देखो और मेरा विश्वास देखो। अभी मेरी मिसेस को नहीं पता कि मुझे क्या हुआ। अभी मैं रोज सुबह ऐसे ही, और वो दर्द जो है सुबह से लेकर शाम तक होती, रात को नहीं। शैतान देखो कैसे कैसे हालात खड़े करता है, पर जो बुद्धिमान है वो उन हालातों को पार करते हैं, जो नहीं है वो फिर उसमें फंस जाते हैं। तो क्या हुआ कि मैं रोज सुबह जा रहा हूं और दर्द इतनी है, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो सिर को बांधता और पता नहीं चारपाई पे लेट कर कहता, हाय 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 बचाओ। पर मैं जानता था कि खुदा के वचन में क्या लिखा है, बोलो उसके वचन में क्या लिखा है, और मैं उसी दर्द में काम करता था। ऐसे जब मैं नीचे बैठता ऊपर उठता मुझे चक्कर आते थे, अब मैं सच्ची कह रहा हूं ऐसे होता था, और जब मैं नीचे से ऊपर बैठ के ऐसे काम करते करते ऐसे होता था चक्कर आ रहे हैं मुझे, और इतनी बुरी हालत, फिर भी मैं उस हालत में इस वचन को लेकर मैं काम करता था विश्वास से। क्या करता था? विश्वास से मैं वो चीज करता था। और ऐसे एक दिन, दो दिन, तीन दिन और चौथा दिन रोज दर्द हो रही है, और चौथा दिन आ गया। क्या गया चौथा दिन? और चौथे दिन मेरे मन से अंदर से आवाज आई, जिद ना कर। क्या ना कर? जिद ना कर, जा जाकर मेडिसिन ले ले। क्या ले ले? मैंने किसी को कहता, क्योंकि मेडिसिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा खाना पाप है, हाँ, पर उसकी आंखों को ना मानना पाप है। हाँ, मेडिसिन खाना कहीं पर लिखा नहीं बाइबल में पाप है, पर यह मेरा विश्वास है कि जो खुदा के वचन में लिखा है मैं उसमें खड़ा होता हूं। तो जब मेरे अंदर से आवाज आई कि जिद ना कर, मेडिसिन ले ले जाकर, और मैंने अपने मन को अपने माइंड को ऐसे कहा देखकर, चुप, ऐसे उसे मैं दबका, चुप, मेरी आशा, मैंने अपने मन को ऐसे कहा, मेरी आशा मेरे परमेश्वर पर है और वो मेरे लिए कर चुका है। जैसे ये वर्ड, ये शब्द मैंने बोला, क्योंकि दाऊद कहता है ना, जब आप भजन सहता जबूर 32 की 8 ऐत पढ़ते हो तो वहां पे ऐसे दाऊद कहता है, हे मेरे मन शांत हो जा, क्योंकि मेरी आशा किससे है। और जब मैंने अपने मन को ऐसे कहा उसी समय वो दर्द एन ऐसे एक चुटकी से, हाँ, पता ही नहीं, एकदम गैप हो गया। और आज कितने साल हो गए वो दोबारा कभी भी नहीं आई। इसलिए मैं कहता हूं अपने आप को, कहो कि वचन को समझने से तेरा भला होगा। फिर कहो अपने आप को कि वचन को समझने से तेरा भला होगा, इसलिए वचन पर मन लगा, तब तुझे छुटकारा मिलेगा और तब तुझे बरकत मिलेगी। आमीन, हालेलुया।